नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे 19वां आईपीएल मुकाबला जो खेले जाने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में। दोस्तों, मुकाबला 6 अप्रैल को खेला जाएगा। 7:30 पर मैच स्टार्ट होने वाला है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच में हम ग्रैंड लीग टीम किस प्रकार से बनाएं, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों ग्रैंड लीग टीम में लेके चल सकते हैं, संजू सैमसन इंपोर्टेंट है या फिर दोस्तों जोस बटलर इंपोर्टेंट होगा या फिर दोस्तों यशस्वी जायसवाल के ऊपर कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इधर से आरसीबी की टीम की तरफ से, तो यहां से दोस्तों विराट कोहली फेवरेट होगा या फिर फाफ डुप्लेसी को कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टन ट्राई करके चले, कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा और कैसे हम दोस्तों आज की यूनिक ग्रैंड लीग टीम बना के जा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है और 2-3 ऐसे ट्रंप प्लेयर बताऊंगा जो आज के मैच में दोस्तों सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू दोस्तों यहां से अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से बात करें दोस्तों, तो कंटिन्यू यहां पर इतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है फाफ डुप्लेसी की तरफ से, ग्लैन मैक्सवेल की तरफ से, रजत पाटीदार की तरफ से। तो क्या दोस्तों वो आज के मैच में फिर से फ्लॉप होंगे या फिर दोस्तों यहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रेयान पराग कंटिन्यू काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या दोस्तों वो आज के मैच में फ्लॉप होगा या फिर परफॉर्मेंस करके जाएगा। तो 2-3 दोस्तों ऐसे ट्रंप प्लेयर हैं जिनको ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो खिलाड़ी दोस्तों आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखते चलना अगर आप एक ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो, मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखते चलना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें आने वाली लगातार अपडेट के लिए। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों अगर आपने लास्ट की वीडियो को मिस किया है तो उस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप 1 रुपये में 1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बना सकते हो, अगर आपने मिस कर दिया तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आज दोस्तों मैं उससे भी बड़ा धमाकेदार ऑफर लेके आया हूं, 1 रुपये में दोस्तों आप 2 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखते चलना। बात करेंगे सबसे पहले सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, पिच के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनता है वो दोस्तों काफी बढ़िया देखने को मिलता है। अगर ऐसे ही तुक्केबाजी के अकॉर्डिंग टीम बनाओगे कि किसी को ड्रॉप किया किसी को पिक किया, 20-20 टीमें बना ली, 40-40 टीमें बना ली, तो प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों बढ़िया टीम बनाओ, यूनिक टीम बनाओ, एक एक खिलाड़ी के ऊपर रिसर्च करो जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, कौन सा खिलाड़ी का एवरेज स्कोर कितना अच्छा है, राजस्थान के सामने विराट कोहली का क्या परफॉर्मेंस है, यशस्वी जायसवाल का यहां पर आरसीबी की तरफ से दोस्तों क्या परफॉर्मेंस रहता है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होंगी। स्मॉल लीग खेल रहे हो उसमें दोस्तों आप तुक्केबाजी के साथ अपनी टीम बना के जा सकते हो, क्योंकि उसमें हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी भी पिक कर लो, लो सिलेक्शन वाले लेके चलो, आराम से टीम बन जाएगी। लेकिन ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों काफी ज्यादा यहां पर आपको यूजर देखने को मिल जाते हैं एक ही मेगा कॉन्टेस्ट में, और उसमें अगर आपकी यूनिक टीम नहीं बनी तो दोस्तों आपके 59 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो आपको रिटर्न में मिल सकते हैं। अगर आप यही 59 रुपए ही प्राप्त करने के लिए खेल रहे हो तो दोस्तों क्या फायदा ड्रीम इलेवन या फिर अदर फैंटेसी में खेलने का, तो आप वहां पर ही स्किप करके जा सकते हो। तो अगर आप एक यूनिक ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो तो वीडियो को दोस्तों अच्छे प्रकार से समझो, एक एक पॉइंट यहां से कवर करवा के दूंगा, एक एक खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा कि कौन सा खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस करता है, कौन से खिलाड़ी के ऊपर रिस्क लेके चल सकते हो, तभी दोस्तों ग्रैंड लीग टीम से काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर पिछले मैचों की बात करें तो यहां से दोस्तों आरसीबी की तरफ से विराट कोहली के अलावा कोई भी खिलाड़ी इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। अगर बात करें यहां पर दोस्तों आरआर की तरफ से, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो संजू सैमसन भी परफॉर्मेंस पे है, बटलर और यशस्वी जायसवाल दोनों दोस्तों रिसेंट में फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस करके जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आरसीबी के सामने उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो दोस्तों पिच के बारे में समझते हैं, पिच आपको बैटिंग पिच देखने को मिलेगी, टोटल इस पिच पर 54 मैचेस खेले गए हैं, जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 20 मुकाबले जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 34 मुकाबले यहां पर विन किए हैं, यानी कि जो टीम चेस करती है उसके विनिंग चांसेस थोड़े से बनेंगे। तो यहां पर ही दोस्तों आपका एक पॉइंट नोट हो जाता है, जैसे आरआर की टीम यहां पर चेस करेगी तो विनिंग चांसेस राजस्थान रॉयल्स के बनेंगे, तो टॉस के बाद जो कॉम्बिनेशन बनाओगे राजस्थान रॉयल्स के ऊपर ट्राई करने की कोशिश करना। अगर दो टीम बना रहे हो तो एक दोस्तों आरसीबी की तरफ से बना लेना, एक कॉम्बिनेशन राजस्थान रॉयल्स के ऊपर ट्राई कर लेना। ये दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट है और ये छोटे छोटे पॉइंट बड़ा धमाका करके जाते हैं, मतलब बड़ा प्रॉफिट
फील्ड बनवा के जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट अगर नोट करके चलोगे तो ग्रैंड लीग टीम तो दोस्तों बहुत छोटी बात है, आप चाहे 10-12 ग्रैंड लीग टीम में खेल लेना तो आप उनमें भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो अगर आपने अच्छे प्रकार से समझा है तो। एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर लगभग 160 के करीब देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा स्कोर राजस्थान रॉयल्स का है 214 रन, और सबसे कम स्कोर भी दोस्तों राजस्थान का है ओनली 59 रन पे ऑल आउट है। बात करेंगे लास्ट के जो 5 मैचेज यहाँ पर जो खेले गए हैं उसमें दोस्तों बॉलिंग की बात करें तो पेसर्स को 26 विकेट मिली है, स्पिनर्स को 25 विकेट मिली है, यानी कि दोस्तों स्पिनर्स भी इस पिच पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। यानी कि दोस्तों यूजी चहल की बात करें तो कैप्टन वॉइस कैप्टनशी में काफ़ी बढ़िया चॉइस देखने को मिल सकता है। स्कोरिंग पैटर्न तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 154 मैचेज खेले गए हैं उसमें से 150 से नीचे 16 बार स्कोर, 150-170 के बीच में 19 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में भी 10 बार स्कोर है, 190 से ऊपर यहाँ पर एक ही बार स्कोर देखने को मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पिच देखने को मिलेगी लगभग आपको बैलेंसड पिच भी देखने को मिल सकती है, लेकिन रिसेंट के मैचों की बात करें तो उसमें दोस्तों पिच बैटिंग की देखने को मिल रही है, स्कोर काफ़ी हाई देखने को मिला है, 200 प्लस जा रहा है। अगर पिच बॉलिंग की भी है तो भी दोस्तों काफ़ी हाई स्कोर देखने को मिल रहा है, 200 प्लस का स्कोर। अगर रिसेंट के मैचों की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों 2024 में यहाँ पर 2 मैचेज खेले जा चुके हैं राजस्थान और लखनऊ के बीच में और राजस्थान और दिल्ली के बीच में। यहाँ पर राजस्थान की टीम ने दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे 193 रन है, यहाँ पर दोस्तों 185 रन दिल्ली के सामने। तो यहाँ पर दोस्तों 6 विकेट जो मिली थी वो पेसर्स को मिली थी, 4 विकेट दोस्तों यहाँ पर स्पिनर्स को मिली, फिर राजस्थान लखनऊ के बीच में मैच हुआ, 3 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को मिली, 7 विकेट यहाँ पर पेसर्स को मिली। फिर दोस्तों 2023 में ही राजस्थान और सनराइज हैदराबाद के बीच में मैच खेला गया, 5 विकेट दोस्तों यहाँ पर स्पिनर्स को मिली थी, 3 विकेट यहाँ पर पेसर्स को मिली थी। फिर 2023 में आरसीबी और राजस्थान के बीच में मैच खेला गया था, यहाँ पर दोस्तों सबसे लोएस्ट स्कोर जो किया था वो राजस्थान रॉयल्स का है, ओनली 59 रन पे ऑल आउट ये टीम हो गई थी, जिसमें स्पिनर्स ने ही परफॉर्मेंस किया था 7 विकेटों के साथ और पेसर्स ने भी दोस्तों यहां पर 7 विकेट निकाली थी। यानी कि दोस्तों हम आज के मैच में स्पिनर्स के अकॉर्डिंग भी कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं, अश्विन के साथ भी सीवीसी का रिस्क ले सकते हैं, प्लस में यहां से आपके लिए यूजी चहल भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दोस्तों स्पिनर्स के लिए भी ठीक ठाक हेल्प होने वाली है इस पिच पर। अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर भी दोस्तों यहां पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं 1 रुपए में 2 मेगा कॉन्टेस्ट। तो दोस्तों मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही डाउनलोड करें My11 सर्कल और यहां पर बनाएं दोस्तों अपनी यूनिक ग्रैंड लीग टीम, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप 1 रुपए में 2 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे बढ़िया एप्लीकेशन की बात करें तो दोस्तों कोई भी फैंटेसी ऐप आपको इतना बड़ा ऑफर देखने को इतना बड़ा ऑफर नहीं दे सकता, ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। कंटिन्यू दोस्तों मैं इसी एप्लीकेशन पे खेल रहा हूं, प्लस में काफी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रहा हूं। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर जो मिनिमम फर्स्ट प्राइज है वो दोस्तों आपको 1 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों आप 1 रुपए में टीम बना के जा सकते हो। अगर आपको खेलना नहीं आता या फिर दोस्तों आप थोड़े अमाउंट में बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो इससे बढ़िया एप्लीकेशन आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार डिपॉजिट करोगे, मान के चलो यहां पर मैं 1000 रुपए ऐड करता हूं My11 सर्कल में, तो दोस्तों यहां से मुझे 20% एक्स्ट्रा कैश देखने को मिलेगा। माना कि दोस्तों यहां से मुझे 1200 रुपए देखने को मिल जाएंगे, 200 रुपए दोस्तों मुझे एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे ओनली इसी एप्लीकेशन पे, बाकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं देगी। उसके साथ साथ दोस्तों 1500 रुपए का यहां पर वेलकम बोनस भी देखने को मिलेगा। काफी जबरदस्त एप्लीकेशन है और दोस्तों ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, क्योंकि IPL में दोस्तों ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है और यहां से दोस्तों आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर इस सीजन में कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो इससे बढ़िया एप्लीकेशन आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। बात करेंगे दोस्तों दोनों टीमों के हेड टू हेड के रिकॉर्ड के बारे में, तो लास्ट के 10 मैचेस जो इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं हेड टू हेड के, तो हेड टू हेड में दोस्तों आरसीबी की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 7 मुकाबले आरसीबी की टीम ने हेड टू हेड में विन किए हैं, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 3 मुकाबले हेड टू हेड में विन किए हैं। रीसेंट के मैचों की बात करें तो रीसेंट में दोस्तों 4 मुकाबले आरसीबी की टीम खेल चुकी है और 4
चार में से एक ही मुकाबला यहां पर दोस्तों आरसीबी की टीम ने विन किया है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो तीन मैच दोस्तों इस टीम ने खेले हैं और तीन के तीन मुकाबले विन करके आ रही है। रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और रिसेंट में दोस्तों आरसीबी की टीम इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। हेड टू हेड में दोस्तों आरसीबी की टीम स्ट्रॉन्ग है, तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग अगर टीम बना रहे हो तो दोस्तों आप आरसीबी की तरफ से बना के चलो, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बना रहे हो रिसेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो दोस्तों आप यहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो। बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में, यहां से दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे, ट्रंप प्लेयर होंगे, कैप्टन वॉइस कैप्टन चॉइस होंगे, कौन सा खिलाड़ी इस पिच पर बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, कौन से खिलाड़ी के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, कौन से खिलाड़ी को ट्रंप खिलाड़ी बोल सकते हैं। ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों यशस्वी जायसवाल, उसके साथ जोस बटलर, उसके साथ संजू सैमसन, फिर दोस्तों रेयान प्राग, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल, उसके बाद दोस्तों अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, बर्गर और यूजी चहल, ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल सकती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। बात करेंगे इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन से खिलाड़ी को सीवीसी ट्राई करके चल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की, तो रिसेंट में दोस्तों कंटिन्यू फ्लो पर ये खिलाड़ी, तीन के तीन मैचों में यहां पर इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, एक मैच में 10 रन, एक मैच में 5 रन, एक मैच में 24 रन। उधर जोस बटलर की बात करें, नंबर दो पर बैटिंग ऑर्डर है, ये भी दोस्तों कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है, एक मैच में 13 रन, फिर 11, फिर यहां पर 11 रन का परफॉर्मेंस। लेकिन यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो हेड टू हेड में दोस्तों यशस्वी जायसवाल का इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, 5 मैचों में 103 रन है 20 के एवरेज स्कोर से, और बटलर की बात करें तो 14 मैचों में 412 रन इस खिलाड़ी के पास है। ग्राउंड की बात करें तो 7 मैच दोस्तों यशस्वी जायसवाल इस पिच पर खेल चुका है, 199 रन है, और बटलर की बात करें तो 17 मैच खेल चुका है, 626 रन इस खिलाड़ी के पास है। लेकिन दोनों का जो ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है, एक का दोस्तों 44 का एवरेज स्कोर है, एक का 33 का एवरेज स्कोर है। आईपीएल फॉर्मेट में लगभग दोस्तों दोनों का सेम एवरेज स्कोर है, एक का 31 का एवरेज स्कोर है, एक का यहां पर 38 का एवरेज स्कोर है। लेकिन दोस्तों रिसेंट में दोनों खिलाड़ी फ्लॉप चल रहे हैं और दोनों खिलाड़ियों के ऊपर आप रिस्क उठा के चल सकते हो कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी का, क्योंकि दोनों खिलाड़ी आपको ट्रंप प्लेयर भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो सामने टीम है उसके पास दोस्तों अटैकिंग बॉलिंग लाइनअप नहीं है, इसी कारण दोस्तों कंटिन्यू वो टीम हार के आ रही है। और यहां से दोस्तों बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग लाइनअप की, तो वो दोस्तों अटैकिंग बॉलिंग लाइनअप है, और स्टार्टिंग के ओवर में ही दोस्तों आपको ट्रेंट बोल्ट का जलवा देखने को मिल सकता है। ट्रेंट बोल्ट स्टार्टिंग के ओवर में ही आपको विकेट चटकाते हुए नजर आ जाएगा, और स्टार्टिंग के ओवर में ही दोस्तों यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोनों खिलाड़ी दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों खिलाड़ी आपके लिए ट्रंप प्लेयर होंगे, दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप करके नहीं चलना है आज के मैच में। उसके बाद दोस्तों संजू सैमसन, एक ही मैच में परफॉर्मेंस किया था, 82 रन नाबाद बनाए थे, बाकी के कंटिन्यू दोनों मैचों में ये खिलाड़ी फ्लोप है। हेड टू हेड में दोस्तों 21 मैच खेल चुका है, टोटल 383 रन, 19 के एवरेज स्कोर से, ग्राउंड पे दोस्तों 36 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 30 का एवरेज स्कोर है। अभी के लिए दोस्तों बात करें नंबर तीन का बैटिंग ऑर्डर है, ड्रॉप करके चल सकते हो अगर आपने ऊपर के दोनों बैटिंग ऑर्डर को पिक किया है। अगर आप संजू सैमसन को ट्राई करना चाहते हो तो बटलर को ड्रॉप करो, एक खिलाड़ी आप ड्रॉप करके चलना, तभी दोस्तों आपकी जो यूनिक टीम वो बनेगी। स्मॉल लीग टीम में तीनों खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। रेयान प्राग ऑलराउंडर ऑप्शन, कंटिन्यू दोस्तों परफॉर्मेंस है, 2 मैचों में नाबाद है, 1 में 54 रन नाबाद, 1 में 84 रन नाबाद और 1 मैच में 43 रन। हेड टू हेड में काफ़ी अच्छी बैटिंग है, 35 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे दोस्तों 52 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 4 विकेट भी इसके पास है, 22 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी के पास है। यूनिक वॉइस कैप्टनसी में ट्राई करके चल सकते हो, प्लस में इस खिलाड़ी का आज के मैच में वैसे हाई सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा कैप्टन प्लस वो इस कैप्टनसी में। उसके बाद दोस्तों सिमरन हेटमायर, जो कि रिसेंट में बैटिंग नहीं, यहां पर एक मैच में बैटिंग देखने को मिली, 14 रन नाबाद इस खिलाड़ी ने बनाए थे, यहां पर एक मैच में फ्लॉप गया था, टोटल 5 रन। राजस्थान रॉयल्स का जो बैटिंग लाइनअप है लगभग नंबर 3 और नंबर 4 तक ही बैटिंग देखने को मिल रही है। यहां पर पिछले मैच में ध्रुव जुरैल की बैटिंग देखने को नहीं मिली और पहले मैच में ये खिलाड़ी नाबाद था, उसके बाद दोस्तों 20 रन का परफॉर्मेंस करके गया, तो लगभग यहां से दोस्तों ये खिलाड़ी
ट्रंप प्लेयर होंगे आज के मैच में, लगभग यहाँ से सिमरन हेटमायर आप ट्राई करके चल सकते हो जो कि ट्रंप खिलाड़ी होगा, क्योंकि सामने दोस्तों अटैकिंग बॉलिंग नहीं है, इसी कारण से आपको जो स्टार्टिंग के जो बैटिंग ऑर्डर है वही परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। और कैप्टन वॉइस कैप्टनसी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन को आप ड्रॉप कर रहे हो तो बटलर आपके लिए सीवीसी में काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, प्लस में रेयान प्राक को आप वॉइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। यहाँ पर सिमरन हेटमायर का हेड टू हेड रिकॉर्ड 8 मैचों में 178 रन, 44 के एवरेज स्कोर से ग्राउंड पे दोस्तों 8 मैच खेल चुका है, 13 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 32 का एवरेज स्कोर है। ध्रुव चुरैल की बात करें तो रिसेंट में बैटिंग नहीं, 35 का एवरेज स्कोर दोस्तों हेड टू हेड में है, ग्राउंड पे 21 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 27 का एवरेज स्कोर है। विकेट कीपर ऑप्शन में अभी के लिए दोस्तों मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करने वाला हूँ। उसके बाद बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन, रिसेंट में दोस्तों 16 रन 0 विकेट 29 रन 0 विकेट, फिर यहां पर 1 विकेट फिर 3 विकेट, हेड टू हेड में 26 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 22 विकेट है, ग्राउंड पे दोस्तों 10 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 172 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है, इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। प्लस में दोस्तों इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके नहीं चलना है क्योंकि कंप्लीट 4 ओवर भी करवाएगा, प्लस में अगर ये खिलाड़ी ओपनिंग बैट्समैन थोड़े से जल्दी आउट होते हुए नजर आते हैं तो ये खिलाड़ी आपको थोड़ा सा ऊपर बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों ट्रेंट बोल्ट, रिसेंट में 3 विकेट, फिर यहां पर 1 मैच में फ्लॉप गया, फिर यहां पर 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस। और इस पिच की बात करें तो 5 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हैं इस ग्राउंड पर, 4 विकेट है, 16 विकेट दोस्तों हेड टू हेड में ये खिलाड़ी निकाल चुका है, आईपीएल फॉर्मेट में 110 विकेट इसके पास है, काफी बढ़िया च्वाइस है स्मॉल लीग टीम में दोस्तों वॉइस कैप्टनसी के लिए। उसके बाद आवेश खान की बात करेंगे, रिसेंट में दोस्तों कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके आ रहा है, 1-1 विकेट है, लेकिन हेड टू हेड में ये खिलाड़ी फ्लॉप है, टोटल 2 विकेट इसने हेड टू हेड में निकाली हुई है, ग्राउंड पे दोस्तों 4 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में ये खिलाड़ी 58 विकेट निकाल चुका है टोटल 50 मैचों में। अभी के लिए दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से मैं आवेश खान को ड्रॉप करूंगा क्योंकि हेड टू हेड में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, पिच पे भी 3 मैच खेल चुका है, टोटल 4 विकेट इसके पास है। उसके बाद दोस्तों बर्गर, रिसेंट में कंटिन्यू परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी का भी है, 3 मैचेस खेले हैं और 3 मैचों में दोस्तों 5 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाल ली है आईपीएल फॉर्मेट में और कंटिन्यू परफॉर्मेंस भी है। हेड टू हेड में पहला मैच है, ग्राउंड पे दोस्तों 3 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है टोटल 2 मैचों में। और यहां से दोस्तों बर्गर को मैं पिक करके चलूंगा यूनिक ग्रैंड लीग टीम में क्योंकि इस खिलाड़ी का थोड़ा सा आपको लो सिलेक्शन भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों यूजी चहल, रीसेंट के कंटिन्यू मैचों में इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस, 1 में 1 विकेट 1 में 2 विकेट 1 में 3 विकेट, तो शायद आज के मैच में ये खिलाड़ी आपको 4 विकेट भी निकालते हुए नजर आ सकता है। यूनिक कैप्टनसी में दोस्तों आज के मैच में यूजी चहल को आप जरूर ट्राई करके चलना। हेड टू हेड में दोस्तों 3 विकेट इस खिलाड़ी के पास है टोटल 5 मैचों में, 10 विकेट ग्राउंड पे है, 193 विकेट दोस्तों आईपीएल फॉर्मेट में ये खिलाड़ी निकाल चुका है। ये आपको फाइनली राजस्थान रॉयल्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों स्टार्टिंग और डेथ स्पेशलिस्ट, स्टार्टिंग में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, तो स्टार्टिंग में दोस्तों ट्रेंट बोल्ट, उसके साथ यहां पर बर्गर, उसके साथ अश्विन, और डेथ में दोस्तों आवेश खान, बर्गर, यूजी चहल और ट्रेंट बोल्ट, ये दोस्तों 4 खिलाड़ी आपको डेथ में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। ये 3 खिलाड़ी दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए नजर आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग के ओवरों की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट दोस्तों आपको डेथ में बॉलिंग करवाएगा, तो ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, यूजी चहल आपके लिए यूनिक सीवीसी में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के जो बेंच प्लेयर आपको देखने को मिल सकते हैं, यहां से रोमन पोवल और यहां पर शुभम, उसके बाद संदीप शर्मा और केशव महाराज, नवदीप सैनी, कुलदीप सैन, टोटल 6 खिलाड़ी इनके पास है दोस्तों बैकअप में। केशव महाराज खेल सकता है और आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों T20 फॉर्मेट में 159 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 130 विकेट इसके पास है और ये खिलाड़ी दोस्तों काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करवाता है और इस खिलाड़ी को आप ट्राई करके चल सकते हो अगर बेंच प्लेयर में या फिर इम्पैक्ट प्लेयर पर आपको खेलते हुए नजर आता है तो ट्रंप प्लेयर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नवदीप सैनी का भी जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है, आईपीएल फॉर्मेट में 23 विकेट इसके पास है, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक इस खिलाड़ी के पास विकेट नहीं है, हेड टू हेड में 1 विकेट है। अगर यहां से कोई भी खिलाड़ी फाइनली अपडेट होगा वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फटाफट से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात करेंगे दोस्तों प्लेयर बैटल के बारे में क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफी ज्यादा
मायने रखती है ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग टीम में, क्योंकि प्लेयर बैटल में दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी हमें ट्राई करना है, कौन सा बॉलर यहां से लेकर चलना है जिसका लो सिलेक्शन है अभी रिसेंट में। अगर उस बॉलर का काफी बार नाम देखने को मिलता है तो उस बॉलर के ऊपर दोस्तों काफी ज्यादा निगाहें होंगी, उस बॉलर के ऊपर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि ये खिलाड़ी हमें विकेट निकाल के दे सकता है। जैसे यहां से बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो यश दयाल दोस्तों दो बार आउट कर चुका है, एक बार दोस्तों मोहम्मद सिराज, ग्लेन मैक्सवेल को विकेट नहीं मिली है, बटलर को दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज दो बार आउट कर चुका है, एक बार फर्गुसन, यश दयाल को विकेट नहीं मिली है, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज दोस्तों दो बार, करण शर्मा एक बार, इधर से रेयान पराग, इसको दोस्तों आउट नहीं कर पाया है कोई भी खिलाड़ी, सिमरन हेटमायर एक बार दोस्तों, यहां से मोहम्मद सिराज एक बार, ग्लेन मैक्सवेल। तो यहां से दोस्तों मोहम्मद सिराज की बात करें तो यहां पर यशस्वी जायसवाल को भी आउट कर चुका है, यहां पर दोस्तों बटलर को भी आउट कर चुका है, यहां से दोस्तों संजू सैमसन को भी आउट कर चुका है, और यहां से दोस्तों मोहम्मद सिराज, सिमरन हेटमायर को भी आउट कर चुका है। लगभग दोस्तों चार जो ओपनिंग बैट्समैन है, चार के चार ओपनिंग बैट्समैन को यहां से मोहम्मद सिराज विकेट निकाल चुका है। तो ये बॉलर आपके लिए ट्रंप प्लेयर हो सकता है। प्लस में अब रिसेंट के मैचों की बात करें तो सबसे लोएस्ट खिलाड़ी आपको यहां पर सिलेक्शन में मोहम्मद सिराज देखने को मिलेगा, और ये खिलाड़ी दोस्तों आपके लिए यूनिक प्लेयर भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों प्लेयर बैटल अगर आप अच्छे प्रकार से देखते हो तो प्लेयर बैटल में आपको एक ट्रंप प्लेयर तो वैसे ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की फाइनल प्लेइंग 11 ओपनिंग बैट्समैन डुप्लेसी, उसके बाद दोस्तों विराट कोहली, कैमरॉन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत और मयंक डागर, रेसिस थोपले, और यहां से दोस्तों मोहम्मद सिराज, यश दयाल। ये फाइनल प्लेइंग 11 दोस्तों रॉयल चैलेंजर बैंगलोरू की तरफ से देखने को मिल सकती है। बात करेंगे दोस्तों यहां से जो इनका प्लेयर परफॉर्मेंस है किस प्रकार से है, फाफ डुप्लेसी रिसेंट में दोस्तों इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन यूनिक कैप्टनसी में ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि 37 का एवरेज स्कोर होता है दोस्तों हेड टू हेड में, ग्राउंड पे दोस्तों 31 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 38 का एवरेज स्कोर है, और रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस भी है। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली, लेकिन दोनों के खिलाड़ियों की बात करें तो एक खिलाड़ी आपको जल्दी विकेट निकालते हुए नजर आ जाएगा, क्योंकि यहां से दोस्तों स्टार्टिंग का ओवर आपको ट्रेंट बोल्ट करवाते हुए नजर आएगा, और दोनों में से अभी के लिए दोस्तों मैं विराट कोहली को ड्रॉप करने वाला हूं यूनिक ग्रैंड लीग टीम से। रिसेंट में 22 रन, उसके बाद 83 रन नाबाद, उसके बाद 77 रन, हेड टू हेड में दोस्तों 26 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे इस खिलाड़ी का 21 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 38 का एवरेज स्कोर है। अभी के लिए दोस्तों मैं यहां से विराट कोहली को ड्रॉप करने वाला हूं, क्योंकि सामने ट्रेंट बोल्ट नजर आएगा, और ट्रेंट बोल्ट का दोस्तों और विराट कोहली का प्लेयर बैटल में आपको आगे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस है। अभी के लिए दोस्तों फाफ डुप्लेसी को मैं सीवी में भी ट्राई करने वाला हूं। उसके बाद कैमरॉन ग्रीन रिसेंट में दोस्तों फ्लोप है, फिर यहां पर 33 रन 0 विकेट, 3 रन 0 विकेट, हेड टू हेड में एक मैच, टोटल 44 रन का परफॉर्मेंस है, आईपीएल फॉर्मेट में 9 विकेट है, बैटिंग काफी अच्छी है, 39 का एवरेज स्कोर है। रजत पाटीदार रिसेंट में 29 रन, फिर यहां पर 3 रन, फिर 18 रन, फिर 0 रन, फिर 22 रन, हेड टू हेड में 2 मैच, टोटल 74 रन, 37 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे पहला मैच, आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों 32 का एवरेज स्कोर है। यहां से दोस्तों कैमरॉन ग्रीन को पिक करके चलेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट करके दे सकता है। उसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल आज के मैच में आपको ओवर करवाते हुए नजर आएगा, काफी ज्यादा चांसेस हैं, तो इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके नहीं चलना है। रिसेंट में भी 2 विकेट लेके गया है, फिर 28 रन, 3 रन, 2 विकेट, हेड टू हेड में दोस्तों 13 मैचेस, टोटल 36 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, 2 विकेट भी इसके पास है, ग्राउंड पे 2 मैच खेले हुए हैं, 35 का एवरेज स्कोर, प्लस में 1 विकेट, आईपीएल फॉर्मेट में 35 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है, 26 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। उसके बाद दोस्तों विकेट कीपर ऑप्शन दिनेश कार्तिक रिसेंट में फ्लोप, फिर 20 रन, फिर 28 रन नाबाद, उसके बाद 38 रन नाबाद, हेड टू हेड में दोस्तों 28 मैच, टोटल 630 रन, 33 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे 28 का एवरेज स्कोर, आईपीएल फॉर्मेट में 27 का एवरेज स्कोर। ग्लेन मैक्सवेल दोस्तों आज के मैच में यूनिक कैप्टन प्लस में यूनिक वॉइस कैप्टन से भी हो सकता है, क्योंकि पिच के हिसाब से बात करें तो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, प्लस में दोस्तों यहां पर बैटिंग ऑर्डर भी ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकता है। उसके बाद अनुज रावत रिसेंट में 11 रन गया, फिर फ्लोप गया, फिर उसके बाद फिर से 11 रन, फिर यहां पर 48 रन का परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में 2 मैच, टोटल 55 रन है, 55 के एवरेज स्कोर से, ग्राउंड पे 29 रन है, आईपीएल फॉर्मेट में 20 का एवरेज स्कोर है। अभी के लिए दोस्तों इस खिलाड़ी को मैं ड्रॉप करने वाला हूं, अनुज रावत को। यहां से आप दिनेश कार्तिक को भी ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि विकेट कीपर ऑप्शन में लगभग 5-6 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर यहां से दोस्तों मयंक डागर रिसेंट में फ्लोप है, फिर यहां पर 1 विकेट, फिर
वेन्यू यहाँ पर दो मैचों में फ्लॉप गया, उसके बाद एक विकेट है। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है आईपीएल फॉर्मेट में, दो विकेट इसके पास है टोटल 7 मैचों में। और दोस्तों ये खिलाड़ी आपको कंप्लीट 4 ओवर भी नहीं करवाएगा। लगभग रिसेंट के मैचों की बात करें तो लगभग दोस्तों इस खिलाड़ी ने 2-3 या फिर 1 ही ओवर करवाया है, इसी कारण मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों रेसिस थोपले रिसेंट में 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, कंटिन्यू 1-1 विकेट इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिली है। हेड टू हेड वेन्यू पे दोस्तों पहला मैच होने वाला है आईपीएल फॉर्मेट के, 2 ही मैच इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 2 विकेट ये बॉलर निकाल चुका है। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद सिराज, यहां से दोनों बॉलिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट होंगे। मोहम्मद सिराज रिसेंट में 1 विकेट लेके गए, फिर यहां पर फ्लॉप था, फिर यहां पर दोस्तों 2 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली है, 81 विकेट आईपीएल फॉर्मेट में ये बॉलर निकाल चुका है। हेड टू हेड में दोस्तों 9 विकेट है ग्राउंड पे, 3 विकेट इस बॉलर ने निकाली हुई है। यहां से दोस्तों मोहम्मद सिराज और टोपले दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे। और इन खिलाड़ियों की बात करें तो इन खिलाड़ियों का दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस, मोहम्मद सिराज का बहुत ही लो सिलेक्शन है, टोपले का भी बहुत ही लो सिलेक्शन है। उसके बाद दोस्तों यश दयाल रिसेंट में कंटिन्यू 1-1 विकेट है, लेकिन दोस्तों पिटाई काफी ज्यादा देखने को मिलती है, काफी ज्यादा रन देखने को मिलते हैं इस बॉलर की तरफ से। 17 विकेट दोस्तों आईपीएल फॉर्मेट में, 5 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है हेड टू हेड में। ये दोस्तों फाइनली आपको रॉयल चैलेंजर बैंगलोरो के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके जो स्टार्टिंग और डेथ के स्पेशलिस्ट बॉलर जो देखने को मिल सकते हैं, स्टार्टिंग में टोपले, यश दयाल, मोहम्मद सिराज, ग्लेन मैक्सवेल, डेथ में दोस्तों मोहम्मद सिराज, टोपले और यहां से यश दयाल, ये स्टार्टिंग और डेथ में खिलाड़ी आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहां से बेंच प्लेयरों की बात करें तो महिपाल लोमरोर पिछले मैच में दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर था, 33 रन का परफॉर्मेंस किया। फिर प्रभु देसाई, करण शर्मा खेलता है तो ट्रम्प प्लेयर होगा, हेड टू हेड में 10 विकेट है, पिच पे 2 विकेट है, 70 विकेट दोस्तों आईपीएल फॉर्मेट में है इसके पास। अल्जारी जोसफ हेड टू हेड में दोस्तों बिल्कुल फ्लॉप है। लोकी फर्गुसन 6 विकेट निकाल चुका है दोस्तों हेड टू हेड में। विजय कुमार 1 ही मैच खेला था हेड टू हेड में जिसपे फ्लॉप था आईपीएल फॉर्मेट में, 10 विकेट इसके पास है। यहां से दोस्तों कोई भी बेंच प्लेयर अगर फाइनल 11 में अपडेट होता है या फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलता है, वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यहां से दोस्तों बात करेंगे कौन सा बॉलर इंपॉर्टेंट होगा, कौन से बॉलर को दोस्तों ड्रॉप करना है, कौन सा बॉलर के ऊपर रिस्क लेके चलना है कैप्टन वॉइस कैप्टनसी का, और कौन से खिलाड़ी को दोस्तों आज के मैच में हम पिक करके चल सकते हैं। सबसे पहले फाफ डुप्लेसी, ट्रेंट बोल्ट दोस्तों 3 बार आउट कर चुका है, संदीप शर्मा 2 बार आउट कर चुका है, यूजी चहल दोस्तों 2 बार आउट कर चुका है, यहां पर दोस्तों कुलदीप सैन 1 बार, आवेश खान 1 बार, अश्विन 1 बार। तो फाफ डुप्लेसी को लगभग जो राजस्थान रॉयल्स के लगभग सभी बॉलर का नाम यहां से देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली, संदीप शर्मा 7 बार, संदीप शर्मा दोस्तों विराट कोहली को आउट कर चुका है, आवेश खान 2 बार, ट्रेंट बोल्ट 1 बार, अश्विन भी दोस्तों 1 बार। यहां से कैमरॉन ग्रीन 1 बार आउट कर चुका है अश्विन, ग्लेन मैक्सवेल, यूजी चहल दोस्तों 3 बार आउट कर चुका है, और यूजी चहल के सामने ग्लेन मैक्सवेल इतना खास परफॉर्मेंस आपको करते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 46 बॉलों में 65 रन इस खिलाड़ी ने दिए हैं, 2 बार दोस्तों संदीप शर्मा, 2 बार ट्रेंट बोल्ट, 2 बार अश्विन, 1 बार कुलदीप सैन। दिनेश कार्तिक 3 बार आउट कर चुका है यूजी चहल, 3 बार संदीप शर्मा, 1 बार दोस्तों अश्विन, 1 बार ट्रेंट बोल्ट, 1 बार आवेश खान। यहां से दोस्तों संदीप शर्मा आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकता है कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनशिप में, क्योंकि 4 के 4 जो ओपनिंग बैट्समैन है उनको दोस्तों संदीप शर्मा किसी खिलाड़ी को 7 बार, किसी खिलाड़ी को 2 बार, किसी खिलाड़ी को 3 बार यहां पर आउट कर चुका है, और इस खिलाड़ी को दोस्तों सीवीसी में ट्राई करके चल सकते हो। अगर 3 विकेट भी निकालता है तो ये खिलाड़ी आपकी टीम में यूनिक कैप्टन दोस्तों देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी, फैंटेसी के टॉप पिक प्लेयर, तो हाई सिलेक्शन में दोस्तों यहां से यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रेयान पराग, ट्रेंट बोल्ट, डुप्लेसी, विराट कोहली, कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, और ट्रम्प प्लेयरों में दोस्तों बटलर लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, बर्गर लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, दिनेश कार्तिक लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, मोहम्मद सिराज ये भी आपको लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी देखने को मिल जाएगा। ये टोटल दोस्तों 4 ट्रम्प प्लेयर होंगे, और ऊपर के जो 8 हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी हैं इनमें से दोस्तों आपको कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप भी करना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आज की मेरी फाइनल फैंटेसी टीम हो सकती है। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से दोस्तों माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहां पर दोस्तों आप आज के मैच में 1 रुपए में 2 मेगा टीम बना सकते हो, 2 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, और यहां से दोस्तों मिनिमम प्राइज ही पहला आपको 1 करोड़ रुपए का देखने को मिल जाएगा।
ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। मैं दोस्तों कंटिन्यू इसी एप्लीकेशन पे खेल रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रहा हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी देखने को मिल जाएगा माय 11 सर्कल की तरफ से, और 1500 रुपये का दोस्तों वेलकम बोनस भी देखने को मिल जाएगा। मेरा रेफर कूपन दोस्तों ज़रूर यूज़ करना, उसी के बाद आपके जो ये ऑफर हैं दोस्तों एक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ से दोस्तों आज ही खेलना स्टार्ट करें अगर प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होगा, प्रॉफिट आपका काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की जो मेरी फाइनल फैंटेसी टीम हो सकती है वो किस प्रकार से होगी। दो यहाँ से आपको टीमें देखने को मिलेगी, लेकिन एक जो मेरी यूनिक ग्रैंड लीग टीम या फिर मेरी एक स्पेशल टीम, वो भी मैं आगे दोस्तों आपको बताऊंगा। एक टीम में यहाँ पर मैंने कैप्टनसी में ट्राई करके रखा है दोस्तों विराट कोहली को, एक टीम में वॉइस कैप्टनसी दोस्तों यहाँ से यशस्वी जायसवाल को, ओपनिंग बैट्समैन में सीवीसी ट्राई कर लिया है, फाफ डुप्लेसी भी है। ऊपर तीनों आपको विकेट कीपर देखने को मिलेंगे राजस्थान रॉयल्स के, यहाँ से दोस्तों रेयान पराग, यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट और रेसिस टोपले, मोहम्मद सिराज। ऊपर आपको तीन विकेट कीपर ऑप्शन। सेकंड टीम में दोस्तों बटलर, संजू सैमसन, यहां से दिनेश कार्तिक, कैप्टन दोस्तों विराट कोहली है, वॉइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल है। ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर आज के मैच में दोस्तों रिस्क लेके चलेंगे, और यहां से दोस्तों आप कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो एक दो खिलाड़ी को ड्रॉप करके, जैसे यहां से फाफ डुप्लेसी को ड्रॉप कर सकते हो, या फिर इसकी जगह जो पिक करके चल सकते हो ओपनिंग बैट्समैन में रजत पाटीदार को ट्राई कर लो, क्योंकि वो खिलाड़ी भी दोस्तों नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग करेगा, चांसेस रहेंगे कि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करके दे। या फिर दोस्तों यहां से वो इस कैप्टनसी में यूजी चहल को पिक कर सकते हो, काफी बढ़िया ऑप्शन है। प्लस में संदीप शर्मा, वो दोस्तों आपके लिए ट्रंप प्लेयर होगा, ड्रॉप करके नहीं चलना है, बहुत ही लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है दोस्तों संदीप शर्मा। अगर बात करें मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में, तो यहां से दोस्तों मेरा विकेट कीपर ऑप्शन सबसे पहले बटलर लेके चलूंगा, क्योंकि कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है, परफॉर्मेंस कर सकता है। उसके बाद दोस्तों संजू सैमसन के ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है, ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, या फिर ये लगा लो दोस्तों आप एक दो टीमों में पिक भी कर सकते हो, बाकी एक दो टीमों में दोस्तों आप ड्रॉप भी करके चलना। तो यहां से दोस्तों मेरा नंबर 1 पे रहेगा संजू सैमसन, नंबर 2 पे बटलर, दिनेश कार्तिक भी ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो बैटिंग सेक्शन में दोस्तों अभी के लिए विराट कोहली को मैं ड्रॉप करने वाला हूं, यहां से दोस्तों यशस्वी जायसवाल रहेगा। यहां से दोस्तों फाफ डुप्लेसी की बात करें तो फाफ डुप्लेसी को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, इसकी जगह रजत पाटीदार। और ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल और रेयान पराग, बॉलिंग सेक्शन में सिराज, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, संदीप शर्मा, ये मेरा कॉम्बिनेशन होगा। बाकी दोस्तों रेयान पराग की बात करें तो दोनों टीमों में मैंने यहां पर रेयान पराग को ट्राई किया हुआ है, कैप्टन वॉइस कैप्टनसी एक टीम में ये खिलाड़ी है, फाफ डुप्लेसी को आप ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों यहां से सबसे ज्यादा ऑप्शन रहेगा विराट कोहली, आज के मैच में मैं फ्लॉप करने वाला हूं, और इस खिलाड़ी की जगह मैं यहां से फाफ डुप्लेसी को कैप्टन लगाऊंगा, जो कि मेरा यूनिक कैप्टन है। ऊपर 3 विकेट कीपर ऑप्शन है, ये दोस्तों 2-3 टीमें आप यहां से बना सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, और यहां से दोस्तों काफी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में फ्लॉप होंगे। नंबर 1 ऑप्शन दोस्तों यहां से विराट कोहली को मैं फ्लॉप करने वाला हूं, मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलूंगा एक दो यूनिक ग्रैंड लीग टीमों में, लेकिन स्मॉल लीग टीम में दोस्तों ये खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों फाइनल फैंटेसी टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।